नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आओ अंग्रेजी सीखें, लेट्स लर्न इंग्लिश। रोजाना बोले जाने वाले वाक्य, सेंटेंसेज यूज्ड इन डेली लाइफ। ये जो वाक्य हैं ये हम रोज की बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आज हम कौन से वाक्य सीखते हैं। मैं रास्ते में हूँ। अगर कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं, तब हम बोलते हैं मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन माई वे। आपकी समस्या क्या है? समस्या मतलब होता है प्रॉब्लम। आपकी समस्या क्या है? What is your problem? आपका मतलब क्या है? मतलब का मतलब होता है mean. What do you mean? अगर हमें किसी की बात समझ में नहीं आती और हम उससे पूछते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो या आपका क्या मतलब है, तब हम बोलते हैं What do you mean? मुझे समझ नहीं आया। समझ नहीं आया actually didn't understand. समझ मतलब understand. अगर किसी की बात हमें समझ में नहीं आई और हम उससे फिर से पूछते हैं या बताते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आया, तो हम बोलते हैं I didn't understand. आप किस बारे में बात कर रहे हैं? What are you talking about? यह उचित नहीं है। उचित मतलब fair. कोई चीज़ अगर ठीक नहीं लगे हाँ तो हम बोलते हैं ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो हम बोलते हैं It is not fair. यह मजाक नहीं है। मजाक मतलब joke. अगर हमें किसी को कोई बात बताएं और कोई हमारी इस बात को समझने की कोशिश नहीं करे या उस पर हंसने लगे, तो हम उसे बोलते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो एकदम सीरियस है, सच है, उसको आप मजाक मत समझो। तो यह मजाक नहीं है। It is not a joke. आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, इट वॉज़ नाइस मीटिंग यू। किसी से मिलने के बाद हम उसको जाते टाइम ये बोल सकते हैं कि आपसे मिलकर हमको अच्छा लगा था। इट वॉज़ नाइस मीटिंग यू। मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगी। बाद में मतलब लेटर। मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगी, आई विल कॉल यू लेटर। ओके, चलिए आइए एक बार फिर से सारे के सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस दोहराते हैं। मेरे साथ ध्यान से सुनकर दोहराने की कोशिश कीजिए। आई एम ऑन माई वे। What is your problem? What do you mean? I didn't understand. What are you talking about? It is not fair. It is not a joke. It was nice meeting you. I will call you later. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक कीजिए और मेरे साथ घर बैठ के इंग्लिश सीखिए। थैंक यू।